अगर आप भी त्योहारों पर स्नैक्स या फिर नमकीन खाना चाहते हैं, लेकिन इस बात से अवॉइड करते हैं कि वो डीप फ्राइड होती है, तो ट्राई करें ये कॉर्नफ्लेक्स चिवड़ा, जो कि सिर्फ एक चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाता है। और न सिर्फ एक चम्मच तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है, बनाने में भी बहुत ईजी है। 10 से 12 मिनट में ये बन जाता है और खाने में भी इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, फिर कढ़ाई में हम नमक डाल देंगे। तो अब ये नमक देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये ब्लैक सॉल्ट है, ये ब्लैक सॉल्ट नहीं है, ये टेबल सॉल्ट ही है। लेकिन मैंने इसे ना पहले 2-3 बार यूज़ कर लिया था, तो इसका कलर इस तरह से हो गया है। तो हम हाई फ्लेम पर नमक को लगातार मिक्स करते हुए अच्छे से गरम कर लेंगे। तो जो नमक का टेम्परेचर है ना, वो एकदम हाई होना चाहिए, एकदम गरम होना चाहिए। उसके बाद में जब नमक गरम हो जाए तो हम उसमें कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर देंगे और कॉर्नफ्लेक्स को हम अच्छे से मिक्स करते हुए सेक लेंगे। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ना, इन्हें सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकेंड्स में ये सिक जाएंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिक गए हैं? तो इनका जो कलर है ना, वो थोड़ा और डार्क हो जाएगा और ये ना हल्के से क्रिस्प हो जाएंगे और इनका शेप भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से सेक लिया है। और क्योंकि ये सिक चुके हैं तो हम तुरंत ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि ये और ज़्यादा सिक जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, मतलब डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह के दिखाई देते हैं सिकने के बाद में। और अब हम क्या करेंगे कि तुरंत ही इनको किसी छलनी में डाल देंगे और इसके बाद में हम छान लेंगे। छलनी में डालकर छानने से क्या होगा ना कि नमक नीचे आ जाएगा और जो कॉर्नफ्लेक्स है वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स हमारे काफ़ी बढ़िया से छन गए हैं, सारा नमक इनका निकल गया है। तो देखिए, मैं थोड़े से आपको दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और कितने ज़्यादा कुरकुरे ये हो गए हैं। तो एक बार ना आप इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद में ये जो नमक बच जाता है, इसे हम दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे और सेम तरीके से हम दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स को सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कप जितने कॉर्नफ्लेक्स को सेक लिया और एकदम सिंपल और आसान सी रेसिपी है, तो मुझे इसके ज़्यादा मेजरमेंट्स बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कच्चे वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं, ये वाले सिके हुए हैं और ये जो इधर साइड वाले हैं, ये वाले कच्चे कॉर्नफ्लेक्स हैं। दोनों का कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं और ये देखिए, दोनों की क्रिस्पीनेस आप देख सकते हैं। ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं सेकने के बाद, आसानी से काफ़ी अच्छे से एकदम टूट जा रहे हैं, बारीक चूरा इनका हो जा रहा है। लेकिन ये जो कॉर्नफ्लेक्स हैं जो कच्चे हैं, वो देखिए बिल्कुल आसानी से टूट नहीं रहे हैं और पूरा चूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये सिक गए हैं और कितने अच्छे से ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो ठंडे होने के बाद में ये थोड़े और क्रिस्पी हो जाएंगे, तो इन्हें हम रख देंगे। और इसके बाद में हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में लगभग 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल हम गरम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड कर देंगे बादाम, और बादाम को लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 20 से 25 सेकंड्स के लिए हल्का सा क्रिस्प होने तक और थोड़ा कलर आने तक सेक लेंगे, क्योंकि बादाम को सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बाकी ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू, काजू को भी अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पका लेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ सूखा नारियल, आप चाहे तो लंबाई में काट कर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड्स पकाने के बाद हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे और इसी के साथ में हम इसमें 1 कप मखाने ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 20 से 25 सेकेंड्स के लिए हम मखानों के साथ में बाकी सारी चीज़ों को सेक लेंगे। फिर हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें स्किप करना चाहते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो पूरी तरह से हटा सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम ये जो सारा मिक्सचर है, इसे तब तक सेकेंगे जब तक कि किशमिश पे हल्का वाइट कलर ना आने लग जाए
और ये जो मखाने हैं ये पूरी तरह से क्रिस्प नहीं हो जाते। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड चना दाल और मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट ऐड करके मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, और रेड चिली पाउडर ऐड करने के तुरंत बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और मिक्स करने के कुछ देर बाद में हम दोबारा से गैस को ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर ऐड करने से ना थोड़ी सी लाल मिर्च की महक आने लगेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में इसमें एक छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स ना एक एक मसाला ऐड करने के बाद में मिक्स भी करते जाएंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि मखाने हैं तो ये जल्दी से कढ़ाई से लग जाएंगे, जल जाएंगे। तो बीच बीच में इनको मसाले ऐड करने के बाद में मिक्स भी करते रहें। फिर मैंने इसमें एक छोटी चम्मच चाट मसाला डालकर मिक्स कर दिया है। और उसके बाद में जो कॉर्नफ्लेक्स हमने रोस्ट करके रखे थे नमक में वो ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स को और बाकी सभी मसालों को, सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए बढ़िया सा मिक्सचर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बाद में ये जो कॉर्नफ्लेक्स का चिवड़ा है इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस चिवड़े को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके लगभग 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, हेल्दी भी है। एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस पेज पर नए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।